जागो लाहौर में वापस आ चुके हैं। और जी जनाब, जागो लाहौर आज थोड़ा सा डिफरेंट भी है क्योंकि आज आपको वो सारे लाल पीले रंग नहीं नजर आ रहे हमारे सेट के, लेकिन आज हम सनलाइट में बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है जस्सी साहब और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर असमा जो कि जाहिर ऑटिज्म का को ट्रीट करती हैं, और उनसे भी काफी बातें हो रही थी। लेकिन जाते जाते हमने एक सवाल छोड़ा था जस्सी के लिए कि हम आपको 5 नाम देंगे, उनके ऊपर आपने गाने सुना दे। तो सबसे पहला नाम नवाज शरीफ, गाना बच के रे नारे बाबा तुझ पे नजर है, बच के रे नारे बाबा तुझ पे नजर है। अच्छा आसिफ अली जरदारी, बाजीगर मैं बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तनहा तनहा यहाँ है जीना, भी कोई रिवर्ट अच्छा हो रहा है, तनहा तनहा यहाँ जीना ये कोई बात है। अच्छा तनहा ही रहते हैं वैसे आते हैं ना। अच्छा जी, अगला है हमारे पास चौधरी शहजाद, आएगी 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 किसी को हमारी याद आएगी। बड़ी जल्दी आ जाएगी, बड़ी जल्दी आ जाएगी, कोई ना कोई लाया लेगा उन्होंने अपने नाम। उसके बाद जी शेख रशीद, नी मैं हासे अच यार गवाया ते होके अच लब दी फिरा। अरे वाह, बहुत आला, कमाल हो गया। क्या आपने डेडिकेट किए जी राम गाने, मेरे कहने पर्सनैलिटी को सोच के आपने सोचा कि देखो जी मैं भी सच्चा पाकिस्तानी, मैंने पता है थे की हो रहे हैं कौन की कर रहे हैं। देखो जी खिदमत तो करंट है ना। नहीं नहीं बहुत चंगे ने जी, बहुत देश की सेवा करते हैं। खिदमत करनी है गागू के तुसी। हां हां जी, यही देखो जी भी नहीं करनी, देखो ना खिदमत तो करंट है। देखो मियां साहब जी पुल बना दे, ट्रेन मोटर वे ये वो। आज से कितना टाइम लगे सी थानु इथे देखो जी, सुबह सुबह वो आ गए, उनको तो मसला ही कोई नहीं हुआ होगा। वो तो ही लस्सी पे आती है। हाँ दिन से अब ये तो मुनासिबत से गाना सुन लिया, अब आपको अपना वो आपके गाने था सोना पाकिस्तान, अब डालते हम थोड़ा सा वो सुनना चाहिए। साडी जिंद ते जान सानू एदे ते मान उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम, एदे नाल साडी पहचान, एदे नाल साडी पहचान साडा सोना पाकिस्तान, साडा सोना पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा जी, आप बताएं कि आपकी रूटीन वैसे क्या होती है, बिकॉज obviously being a clinical psychologist आपका जो सोशल सर्कल होगा वो भी बहुत ज्यादा आपसे मुस्तफीद होता होगा, आपसे अपने इश्यूज डिस्कस करते रहते होंगे। ऑटिज्म से हट के आप साइकोलॉजिकल जो बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी थोड़ा बता देती हैं लोगों को उनके बारे में। बिल्कुल डेफिनेटली, एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना इट सेल्फ इज अ प्रॉब्लम आई गेस, बिकॉज लोगों को या तो ये लगता है कि वो खुद पागल है, या फिर उनको लगता है कि आप हमें माइंड रीड कर लेंगे हमारा, आप हमारे बारे में बताएं कि आपको क्या लग रहा है, हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, आप जज कर रही होंगी हमें बैठ के, तो दिस इज अ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। सुन के कहते हैं ये आप ही पागल हो, आप ही पागल हो, अपने आप को गल पसंद आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, गल भी सारी सुन लेनी है। अच्छा तेन यह भी प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा जान लग जा अपने आप हौसला पता लेकिन हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर वक्त नहीं रहते यार, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी अपने एक आम इंसान है बिल्कुल, और नॉर्मल लोगों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, एवरी टाइम हम जज नहीं कर रहे होते। बट यस डेफिनेटली ऑटिज्म के अलावा भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना जैसे जो इंसान रिएक्ट कर रहा है आप उससे थोड़ा जज कर लेती होंगी कि हाँ ये क्योंकि हम लोगों की ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट होती है, वी आर मोर विजिलेंट, मोर कीन ऑब्जर्वर होते हैं बनिस्बत और लोगों के, लेकिन आई थिंक उस पर एक्सपीरियंस भी आई थिंक वर्क करता है, हमारे से पेरेंट्स बड़े आराम से जज कर लेते हैं, तो आई थिंक कुछ लोग होते हैं वो ना सेल्फी लेते रहते हैं हर वक्त तो थोड़ी देर बाद सेल्फी ले लेंगे, थोड़ी देर बाद सेल्फी लेंगे, वो भी डिसऑर्डर होता है। आई एम अफ्रेड कि फ्यूचर में इसको एक डिसऑर्डर बना देंगे। नजर ना आए मुझे, जवाब तो सुन लो। आई एम अफ्रेड कि फ्यूचर में इसको डिसऑर्डर बना देंगे, क्योंकि जो हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसमें इसके बारे में आ रहा है आर्टिकल हमारा प्रॉपर आ रहा है कि दिस विल बी अ डिसऑर्डर, सेल्फी डिसऑर्डर इन फ्यूचर। उन्हें जी रहन दो, आप ही बनाउंदे ने बाहर वाले, आप ही घटनी हुई इस करके फेसबुक का ट्रेंड, आई वुड लाइक टू ऐड वन फेसबुक का ट्रेंड उन्होंने खत्म करने की बाद उन्होंने इंस्टाग्राम काट दिता वा, एदा ही कुछ ना कुछ अगे पर वो चाहते हैं तरक्की ना करो, बस इसे काम में लगे रहो। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फी डिसऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सेल्फीज ले तो रहे होते हैं बट दे डोंट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं सेल्फीज, देन इट इज अ प्रॉब्लम। कुछ लोग सेल्फी लेते पर उन्होंने लेनी नहीं होती, अपना हाथ कट जाता है। आई थिंक आगे केस की बात हो रही ना, इट्स लाइक यू
checking out ki how you're looking right now. That's fine. That's quite fine. Really, I have no issue. Agar aap social media pe upload kare, then there is a problem. Continuously for 6 months or for a year. Phir aap. Chale, hum wo dekhenge social media post hoti ki nahi. Okay, Nasira sahab, thank you very much for being here on the show. Aur ummeed karte hain ki hamare jo nazreen hain unko bhi काफी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी. एंड अगेन वही मैं बात कर रहा था कि जो बहुत जरूरत है इस बात की है कि जो आम लोग हैं उनको इस बारे में बहुत अवेयरनेस हो. कल बल्कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था 2 अप्रैल को एंड वी हैड अ ग्रैंड इवेंट इन लैम्स. एंड आई थिंक ये चीज चलती रहनी चाहिए, किसी एक डे के लिए स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, कैंपेन्स हो या कुछ सेमिनार्स कंडक्ट कराएं. हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग सेमिनार्स करते हैं, ऑटिज्म अवेयरनेस सेमिनार्स, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप. एंड मेन टीचर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं. ज्वाइन करेंगे जस्टिस डॉक्टर नासिरा इकबाल और जस्सी हमारे साथ मौजूद रहेंगे. तो हम ब्रेक के बाद आएंगे जस्सी साहब के पास. हमारे पास एक और राउंड भी है जो हमने इनसे इस पे भी जरा इनको आजमाना है. तो अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए जागो लाहौर.